हर हर महादेव दोस्तों, मैं प्रतिभा जोशी, आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रतिभा जोशी ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे और एकदम मस्त होंगे। मैं आ गई हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ और अभी मैं हूँ इतनी सुंदर जगह में, ये देखिए। तो इतनी सुंदर सुंदर जगह मैं आपको दिखाती रहूँगी और ये है अनसुईया मुकुट, अनसुईया माता का मंदिर इसके नीचे है, और ऐसी सुंदर सुंदर वीडियो आपको दिखाती रहूँगी। और आज मैं आई हूँ बहुत ही सुंदर वीडियो के साथ आपके सामने। आज मैं जा रही हूँ लकड़ी लेने जंगल में, वो भी पहली बार। तो आप बताना कि किस किस ने जंगल से लकड़ी कौन कौन लेके आया है और कौन कौन नहीं। मेरी तो ये पहला टाइम होगा और मेरी यहाँ दो दोस्त बनी हुई हैं, बढ़िया सी दोस्त कह लो या दो बहनें कह लो। तो उनके साथ हम जा रहे हैं लकड़ी लेने, हम दोनों लकड़ी लेके आएंगे। आप लेके आए हो कभी बचपन में लकड़ी? हाँ, तो मैं पहाड़ में रहा हूँ। ये तो पहाड़ में रहे हैं तो ये लकड़ी लेके आए हैं। हमारा पहाड़ भी है। हाँ, और ये है मेरी दो छोटी बहनें, वो पहाड़ में मिल गई हैं, मेरे को खोई थी। हाँ, मेरी छोटी बहनें ये मिल गई है, देखो इसमें देखो। ये है एक, ये है, नाम बता दो अपना। रिया। एक रिया, एक दिया। दिया, ये देखो। आज हम इन्हीं के घर में रुके हैं और बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ। और दो बिछड़ी बहनों से मैंने आपको मिला दिया। हाँ, और कोई प्लान नहीं था हमारा इनसे मिलने का, पता नहीं कैसे पहुंच गए। सब भगवान की इच्छा है, भगवान को जिससे मिलाना होता है वो बस मिला ही लेते हैं। और बहुत अच्छे हैं ये, बहुत ही अच्छे। तो अभी हाँ, बहुत अच्छा लगा। और अभी हम जा रहे हैं इनके साथ लकड़ी लेने। इन्होंने हमें मट्ठा पिलाया, रोटी खिलाई और मक्खन, प्योर वाला, प्योर मक्खन जो होता है, और वो भी भैंस का एकदम बढ़िया वाला, वो भी हम वीडियो में ज़रूर डालेंगे। और खुद इन्होंने अपने हाथ से रोटी बना के खिलाई हमको। अब हम जितनी भी कोशिश होगी हमारी, हम आते रहेंगे यहाँ, इनसे मिलते रहेंगे। छुट्टियों के बाद तो नीचे मिल जाएंगे। हाँ, छुट्टियों के बाद तो नीचे मिलेंगे, अभी तो ऐसे ही दो चार दिन यहाँ इनके अम्मा बुबू रहते हैं ऊपर, तो इस वजह से यहाँ पे ये लोग आए हुए हैं, वरना नीचे रहते हैं ये लोग, तो वहीं मिल जाएंगे फिर तो ये हमें। ये मिल गई हैं हमको लकड़ियाँ, और इतनी अच्छी जगह एक दिखी है, देखो ये किसी ने छप्पर जैसा बना रखा है रहने के लिए। ये देखो झिमौड़ भी है यहाँ, ये देखो कितनी बढ़िया कुटिया बना रखी है। तो आज रात हम नाइट कैंपिंग करने वाले हैं और इसी के अंदर रहेंगे। कितनी सुंदर है देखो, और इतना सुंदर बुग्याल, कितना सुंदर है ना बुग्याल पूरा। ये देखो कैसे काट रहे हैं ये छोटे छोटे बना के, और ये रस्सी भी ला रखे हैं, इसमें लगाएंगे फिर मैं ले जाऊंगी आज सारा, देखते हैं कितना ले जा पाती हूँ। बड़ी बड़ी रस्सी ला रखी है बांधने के लिए। यहाँ से लकड़ियाँ इकट्ठा करेंगे आज के रात के खाने के लिए, आज नाइट कैंपिंग होगी उधर। आज खुद अपने हाथ से खाना बना के खाएंगे हम जंगल के बीच में। ये देखो इतनी सारी लकड़ियाँ इकट्ठा कर दी हैं, इतनी सारी, ये एक की हो जाएगी, एक उसमें बांधेंगे, आधा आधा करेंगे फिर इसे, फिर हम ले जाएंगे इसको आज रात का जुगाड़। हाँ, नहीं लानी है कच्ची। ये हम जा रहे हैं लकड़ी ढूंढने, सूखी सूखी लकड़ियां ले जाते हैं, कच्ची लकड़ी नहीं जलती है क्योंकि। तो बहुत ही मज़ा आ रहा है, इतना सुंदर आसपास पहाड़ है। यहाँ से रुद्रनाथ की चढ़ाई करेंगे हम। तो आप लोगों को हमारी ये पहाड़ों की यात्रा कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। बहुत सारे धाम, बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, नीलकंठ पर्वत, चरण पादुका, ये सारी चीज़ों के दर्शन कराए, और पहाड़ों में रहन सहन कैसा होता है, कैसे रहा जाता है, ये सारी चीज़ें आज मैं आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ पे ये लकड़ी है, ये तोड़ के हम ले जाएंगे
और आज जंगल में ही हम खाना बनाने वाले हैं, और इस इतने घने जंगल में यहाँ भालू, शेर, बाघ सब आते हैं, हिरन। तो देखते हैं आज रात को हम किसी का भोजन बनते हैं या हमारा कोई भोजन बनता है। इन्होंने तो बहुत लकड़ियाँ सारी हैं पहाड़ में। आप कहाँ कहाँ जाते थे, कहाँ लकड़ी लेने? जंगल में। कहाँ पर? क्यों, हमारे पहाड़ है, हम पहाड़ वाले लोग। कहाँ पर फिर, कहाँ पर पूछ रही हूँ? जंगल पूरा पीछे, जंगल जहाँ से गाड़ी से उतरते हैं उधर। अकेले जाते थे आप? सारे बच्चे बच्चे जाते होंगे ना? हाँ। तो ये देखिए, गौर से देखिए इस आदमी को, गौर से। बहुत मेहनती आदमी है ये, बचपन से ही लकड़ी ढूंढ रहा है। दोस्तों, लकड़ियाँ मैंने ढूंढ ली हैं, और क्योंकि पहाड़ी खून है ना, बचपन में पहाड़ में रहे हैं और फिर वापस बुढ़ापे में पहाड़ में रहना है। ये। और जिन लोगों का पहाड़ है कमेंट जरूर करें, जिन लोगों का पहाड़ है वो बिल्कुल कमेंट ना करें, मतलब जो पहाड़ में बेच के चले गए हैं वो लोग बिल्कुल कमेंट ना करें, और जिन लोगों के पहाड़ में अभी कुछ है, उम्मीद है कि वो वहाँ जाएंगे, वही लोग कमेंट करें। हर तो हर महादेव। तो हम भी रहने वाले हैं पहाड़ में, ये बहुत जल्द आपको पहाड़ के व्लॉग्स मिलेंगे और हम वहीं बसे हुए आपको दिखाई देंगे बहुत जल्द। वो पल आएगा, हम पहाड़ में होम स्टे बनाने वाले हैं, आश्रम बनाने वाले हैं, वहाँ पर साधु लोगों को भी हम रुकने के लिए फ्री में व्यवस्था करेंगे, और जो लोग वहाँ पर रहना चाहते हैं गृहस्थी और जिनके पॉकेट मनी ठीक है वो भी वहाँ पर रह सकते हैं। तो आप लोग हमें आर्थिक सहायता भी कर सकते हैं, आप आश्रम बनाने के लिए कुछ आर्थिक सहायता कर सकते हैं। कुछ ही समय के बाद हम वहाँ पर आश्रम और रहने के लिए होम स्टे तैयार करने वाले हैं, तो आप लोगों का प्यार चाहिए, अपना प्यार दीजिए और हमारे आश्रम और हमारे होम स्टे में आइए। सब महादेव की कृपा होगी, तो बहुत जल्द से जल्द आपको खुशखबरी मिलने वाली है, तो आप ऐसी बने रहिए हमारे साथ। देखो लकड़ियाँ तैयार हो गई हैं, और अब ये रस्सी रख दी है लाइन से एकदम सीधी करके, और इसमें लकड़ी रख रही है। इतनी लकड़ी इकट्ठा कर दी है इन्होंने, देखो ये, ये। यहाँ से अभी सनसेट होगा ना, बढ़िया सा दिखता होगा ना शाम के समय में, सूर्यास्त होगा अभी यहाँ पे, सूर्यास्त। ये तैयार कर दिया है इन्होंने गठरी, और देखो ऐसे बांध रही है, एक बैग जैसा बना दिया पीछे, बढ़िया लगी है। अब इसको खींचना होगा आगे को ना, खींच ये बांधना है, बांधना है। अच्छा ले, ये फंसा दिया इसमें, ले तुम आओ। तो बढ़िया इंटरेस्टिंग ब्लॉग बना दिया आज हमने, आप लोगों को दिखा दिया पहाड़ी लाइफ स्टाइल। ये देखो बस्ता जैसा बना दिया, छोटा हो गया। हाँ ये पका। अच्छा दा दे दादी, मैं अपना कर दे। ये देखो कितना बढ़िया, इतना सुंदर बना दिया इन्होंने। अब हम इनको ले जाना है, बहुत दूर है, उधर है कुटिया, वहाँ ले जाना है। ये होती है पहाड़ में रह के मेहनत करनी होती है, बिना मेहनत के यहाँ नहीं मिलता, मेहनत करनी पड़ती है। लकड़ी अभी ले जा रहे हैं, फिर वहाँ जाके आग जलाएंगे, फिर उसमें खाना बनाएंगे, तब जाके पेट में जाएगा खाना, तो इतनी मेहनत है। तो पचना तो खाना वैसे ही है बिना गैस की गोली खा के, बिना पाचन वाली गोलियां खा के यहाँ वैसे ही पच जाता है। यह है पहाड़ों की कसरत।
इतने सुंदर सुंदर ब्लॉक्स मैं आपको दिखा रही हूँ, कैसे लग रहे हैं आप लोगों को? और ये देखो बड़ी आर्ट है मेरे हाथ में, बड़ी आर्ट तो नहीं है ये, दराती है किस्म से। सुंदर 360 व्यू। कैसी हो रखी है, सफेद ना बाल निकल के? तालाब में नहीं, वो ऐसे ही मिट्टी में पड़ते। तालाब में जाते हैं? हाँ, जब उनको धूप होती है। अच्छा, तब मिट्टी लगे है तो उनसे धूप बहुत जल्दी हो जाती, बहुत जल्दी गर्मी होती है। यहाँ से ही आ रही है वीडियो साफ। सब लोग जाने लग गए हैं शाम की तैयारी करने। अभी तो रात को बहुत ही ठंडा होता होगा ना, होता ही होगा फिर। हाँ ठीक है, अच्छा खुद आ जाते हैं, बुला के लाने होते होंगे खुद। आज हम देरी से निकले, महाराज जी ने बोला अभी थोड़ा देर से जाते हैं। तो बहुत ही गर्मी हो गई है, तो बैग भी बहुत ही भारी था। है कुछ नहीं उसमें, स्लीपिंग बैग है वो, एक वो पीछे टांगा था वही एक उसके अंदर डाल रखा है, इतना भारी हो गया उससे। फिर गर्मी लगती है तो चलने में और दिक्कत होती है। अम्मा बुबू का सहारा हो जाता होगा ना आजकल, अब उनको भी अच्छा लगता होगा। मैं तो खुद सब कुछ काम करो, खाना भी फिर खुद ही बनाना है। नहीं दाबा, इतनी तो जाए दाबा। अच्छा यो कम यो यो जाम यो है। अरे बच्चा मैं इमला होना चाहिए सब। हाँ। बुबू कह रहे हैं तुम्हारे बस की नहीं है लाकर लूनी, एक कम ला रहा है एक ज्यादा ला रहा है कह रहे हैं बुबू। वहाँ इतनी मिली बुबू हमको। वहाँ बैठे हैं बुबू, बुबू कह रहे हैं तुम्हारे बस की नहीं है, तुम्हारे बस की नहीं है कह रहे हैं बुबू। और यहाँ पर है पानी, यहाँ पे हम धोते हैं बर्तन और पानी पीने के लिए वो उधर से लाया जाता है इससे पार। और यहाँ भैंस थोड़ी सब है यहाँ पे, ये देखो पहुँच गए हैं घर। ये थोड़ी थोड़ी वो थोड़ी थोड़ी बहुत ही सुंदर बड़ा बुग्याल है यहाँ पर, और सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं बुग्याल में, बहुत अच्छा है। ये बुग्याल देख के अली बेदनी बुग्याल की याद आ गई, क्योंकि लास्ट वीडियो चैनल में है, लास्ट टाइम जब मैं वहाँ गई थी बहुत सुंदर था, इतने सुंदर सुंदर फूल खिले रहते हैं। ये सामने है मंदिर और ये है चाचली, मजा आ गया मजा। भागो भागो, ये साधना में लीन है। ये देखो छोटे छोटे भेड़ के बच्चे। अले अले क्या नाम है बुबू इनका?
की नाम छू इन नाम नाम ये कितने अच्छी लग रही है देखा तो और ये है बुबू 8-9 हजार के आस पास बड़ा मिर्ची बुबू 17-18 हजार इसमें सब देखेंगे आपको सब कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया मैंने आपको अच्छा हाँ सब देखेंगे इसमें आप नातनिया भी देखेंगे अच्छा ठीक है बढ़िया ये बुबू है आज बुबू के वहाँ रुके हैं हम और बहुत ही बढ़िया लगा आनंद आ गया बुबू से मिलके और बुबू की बातें पुरानी पुरानी अभी हम आ गए हैं इतनी सुंदर जगह पूरे पहाड़ और यहाँ है रसोई ये है अम्मा आज हम चाय पीने आ गए हैं ये छुए गिलास और ये अम्मा की दो पोतियां हैं अम्मा की मदद करने के लिए आई हैं ये और ये क्योंकि स्कूल की छुट्टियां पड़ गई हैं तब आई हैं अम्मा बुबू की मदद करने के लिए तो क्या क्या काम होता है अम्मा आजकल यहाँ भैंसों का काम भैंसों का काम होता है क्या क्या काम होता है काम या घास काटने अच्छा तब दोनों आए होंगे ये भी मदद करते होंगे लकड़ा ले आने हाँ ये सिलेंडर का है हाँ ये अम्मा है सुंदर सी नीच पार कहते थे हाँ पाँच हाँ छह हाँ छह छह कह रहे हैं बुबू तब घास अभी चनक नहीं है अभी काटने सब कर लेते होंगे ना दोनों दोनों करते होंगे मदद सब कर लेते हैं काम हाँ। सारा काम अच्छा निकालते हो इनको भी ले जाओ फिर साथ है हाँ अपने साथ रुद्रनाथ ले जाते हैं इनको फिर वहीं से अपने घर चलोगे फिर वहीं रहेंगे दोनों वहाँ मिले थे हम दोनों हम लोग इन दोनों को ना वहाँ मिले ये देखो पहाड़ में भैंस पाली अम्मा ने 6 भैंसे पाल रखी है और दूध हमको दे दे रही है सारा का सारा तो ये दिल होता है पहाड़ी लोगों का और कुछ नहीं शहरों में इतना बड़ा गिलास पीने के लिए देने के लिए दिल होना चाहिए हर कोई नहीं देता जो यहाँ पर रख दिया है तवा और ये अम्मा अब इतने को पसारे तुम क्या कह रही अम्मा ये बनाने लग गए रोटी ये देखो बढ़िया क्या नाम है आपका मैं भूल गई क्या नाम है दिया और आपका रिया दिया और रिया रोटी बना रहे हैं ये लोग हमें नीचे मिले थे मंडल में और आज इनसे मिलना होगा तो यहाँ पे भी मिल गए बढ़िया इनके साथ आज वीडियो भी बन गई क्योंकि ये बोल रही थी कि उस दिन रात हो गई थी और उस दिन बोल रही थी कि आपने पहले बताया नहीं तो हम फोटो खींचते तो आप तो आ ही गए हम यहाँ ये भैंस का मक्खन काला नमक है काला नमक और ये अम्मा बुबू ने प्यार से उनकी नातड़ियों ने हमारे लिए बनाया है और अब आ रही है एकदम भैंस की मट्ठा लूड़ डाल के हम लोग खाएंगे अभी बिल्कुल ओरिजिनल खाना यही है हाँ कहाँ मिल रहा है ऐसा खाना पहाड़ के खाने का आनंद है इसमें वहाँ लोग वहाँ मक्खन पर लोग वहाँ वहाँ मक्खन पर लोग जाता